फिरोजाबाद के गांव लखावली में बम्बा की पटरी टूटने से आसपास के क्षेत्र में जलभराव हो गया, जिसकी वजह से किसानों की कई बीघा फसल बर्बाद हो गई। जनपद फिरोजाबाद के अंतर्गत ग्राम रखवाली में बम्बा की खंदी कटने से और बारिश के कारण गांव के पास खेतों में जलभराव हो गया। ऐसा मानो कि चारों तरफ बाढ़ आ गई। ये सब देखकर ग्रामीण किसानों ने एसडीएम जसराना को फोन किया और कहा कि हमारे गांव में पानी भरने से गेहूं और अन्य फसल नष्ट हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि एसडीएम जसराना ने कहा है कि आप फरहा एसएचओ को फोन करो। ये सब सुनने के बाद ग्रामीणों द्वारा थाना इंचार्ज को फोन किया गया। थाना इंचार्ज ने कहा कि यह हमारा काम नहीं है, इसके लिए आप लेखपाल कानूनगो को फोन कीजिए, और ऐसा बोलकर एसएचओ ने फोन काट दिया। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे ही पूरे दिन अधिकारी उन्हें टालते रहे, लेकिन मौके पर कोई नहीं पहुंचा। देखते देखते ग्रामीणों ने जेसीबी मंगाकर जैसे तैसे उस पानी को रुकवाया, लेकिन तब तक पूरी फसल जलमग्न हो चुकी थी, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा इंजन सेट पंप लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी नहीं निकल सका। जी, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह नाम है मेरा। अच्छा, ये आपके गांव में जो इतना पानी भरा है, वो ये इतना पानी आया कहाँ से और इससे कितना नुकसान हुआ है? इससे कम से कम 50-60 बीघा जमीन डूब चुकी है जी। लेकिन जो बम्बा है, ये बम्बा की खंडी कर, ये बम्बा ओवर हो चुका था, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर आया नहीं। जेसीबी से जैसे तैसे हमने ये खंडी रुकवाई थी जी, और वो खुद भी मिट्टी डाली थी। जेसीबी तो बाद में आई थी, पहले हमने रोक दिया था, लेकिन उसने आकर के उसको जो सतह थी उसको ऊंचा कर दिया था उसने जी। तो आपने किसी अधिकारी के पास फोन नहीं किया? नहीं, मेरे पास फोन नहीं था उस समय, मैंने किसी अधिकारी को फोन नहीं किया, हमारे बुजुर्ग उन्होंने किया था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लाखन सिंह है। यहाँ आपको जो पानी भरा उससे क्या समस्या है, और बारिश की जो पानी भरा हुआ है उससे क्या समस्या है? समस्या ये है कि कम से कम 50-60 बीघा जमीन तो चली गई सरसों की जी, और कम से कम 40 बीघा जमीन चली गई गेहूं की जी, और बरसीम और जो चारा था वो चारा वगैरह जो है ना बिल्कुल सत्यानाश हो गया यहाँ पर। आपने किसी आला अधिकारी को सूचित नहीं? जी हाँ, मैंने सूचित किया था जी। एसडीएम जसराना को सूचित किया है जी। उन्होंने बोला मुझे कि आप फरिया थाने को, मतलब हमसे बात कराइए। फरिया थाने एसओ साहब से मैंने बात किया टेलीफोन मोबाइल के द्वारा, लेख और साथ में हमारे ग्राम प्रधान सचमीत सिंह भी थे जी। उनके मोबाइल से ही बात मैंने करवाई, लेकिन उन्होंने बोला कि लेखपाल साहब का ये काम है, मेरा काम नहीं है, लेखपाल साहब से हमारी बात कराइए। वो आए नहीं, उसके बाद में लेखपाल साहब मिले नहीं, तो हमने एसडीएम का नाम है इससे कानून के साहब से बात की मोबाइल के ऊपर। कानून के साहब ने बोला कि ठीक है, मैं एसओ साहब से बात करता हूँ। एक घंटे के बाद में फिर मैं टेलीफोन किया उन्हें, तो बोला कि मैं खुद ही आ रहा हूँ। उसके बाद एक घंटे बाद फिर मैंने बोला कि देखता रहा इंतजार के, आए नहीं, आ रहे आ रहे आ रहे। उसके बाद में उन लोगों ने कोई नहीं आया यहाँ पर जी। कल पूरा दिन हो गया आकर, फिर हमने शाम को यहाँ पर एक लेकर आए थे इंजन, और इंजन से हमने पानी निकालने की कोशिश की जी। लेकिन पानी हमारा निकल नहीं पाया। हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ से नाली खोद दी जाए, जेसीबी से कुछ अराजकों ने जी, वो का नाम है राहुल देव शर्मा, उन्होंने इस यहाँ का रास्ता जो निकल रहा है हमारा आम रास्ता है, उनकी किसी की नहीं थी जगह, वहाँ का रास्ता इन्होंने बनाने नहीं दिया जी। और बोला कि हम नहीं बनने देंगे। इस पर ग्राम प्रधान ने कोई एक्शन? कोई एक्शन नहीं लिया, ग्राम प्रधान सामने ही बातचीत हुई है। ग्राम प्रधान ने क्या कहा? ग्राम प्रधान ने बोला था कि चलो हम खोलते हैं, चलो। अरे जब खुद मना कर रहा उसके सामने, तो हम क्या करेंगे, हम पीड़ित है वहां जाके।